हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक व्हाट लाइज बिलो नाम की मूवी के बारे में, जो कि फाइनली हिंदी में जो है आ चुकी है। 2020 की मूवी है, जो एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर जोनर की मूवी होने वाली है। लेकिन 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 क्या ये मूवी आपके क्राइटेरिया में फिट होगी या नहीं, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बात करें इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में, तो इसमें एक 16 साल की लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम होता है लिबर्टी। आप कह सकते हो कि वो कैंप से आती है कहानी के अंदर, और आने के बाद में उसे पता चलता है कि उसकी मोम का जो है एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो जो बॉयफ्रेंड है, मतलब जो लड़का देखने के लिए मिलता है, वो जो आदमी देखने के लिए मिलता है, दरअसल वो थोड़ा सा अजीब होता है। उसके कुछ राज होते हैं, जो कि बेसमेंट के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर रहा होता है। तो वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा कि वो क्या राज है, ऐसी क्या चीज़ें वो छुपा रहा है, और आखिर में उनके साथ क्या होने वाला है। ये सारी मिस्ट्री को जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन बात करें क्या ये देखने लायक है या नहीं, तो देखो अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो देखो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप इससे कुछ हाई एक्सपेक्टेशन लगा लो, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बेसिक और सिमिलर सा था, जिस वजह से मूवी की जो कहानी का जो स्टोरी टेलिंग आपको देखने के लिए मिलती है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर और आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा हल्की देखने के लिए मिल जाती है। और इसी वजह से इसका स्क्रीन प्ले भी आपको ठीक ठाक सा देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसकी मिस्ट्री की, इसकी मिस्ट्री काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। एंड देन जो इसके आप कह सकते हो कि लास्ट में जो क्लाइमेक्स रिवील होता है वो काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, और एक ओपन एंडिंग रखी जाती है कि आप अपने ऊपर, मतलब ये जो मूवी है आपको ऊपर छोड़ देती है कि आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि दरअसल उनके साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वो जीते क्या वो हारे, सारी बात आपके ऊपर छोड़ देती है। और अगर आप जो है इस मूवी को चेकआउट करने की सोच रहे हो, तो आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मूवी के स्टार्टिंग में आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा, जहाँ पर जो है लड़का ही वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है नमक के बारे में। कुछ आप कह सकते हो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि विलुप्त हो रहे होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो पूरी मूवी का बेसिक कोर हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको वो एंडिंग जो है समझ में नहीं आने वाली है। ओवरऑल बात करें इसकी, जो साइफाई थ्रिलर जो देखने के लिए मिलता है वो मेरे को थोड़ा सा डिसेंट ही लगा, वो ऐसा नहीं था कि हाँ जो आप इसमें ज़्यादा इंगेज हो जाओ। और जिसका ड्रामा देखने के लिए मिलता है वो भी आपको डिसेंट ही देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आप इसे फैमिली के साथ चेकआउट नहीं कर सकते हो, आपको अकेले में चेकआउट करना पड़ेगा। हिंदी डबिंग की बात की तो हिंदी डबिंग इसकी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। और एंड देन अगर पूरी मूवी का जो हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, तो देखो ये मूवी मेरे को कोई ज़्यादा ऐसी नहीं लगी, क्योंकि मूवी एंड आते आते जो है ना आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है जो स्टार्टिंग में आपको दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि ना ही एंड में आपको जो है पूरे उस बैकग्राउंड स्टोरी का जो कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है वो आपके सामने रिवील करती है, सही से नहीं करती है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने अधूरी अधूरी रह जाती हैं, जिस वजह से आपको एक प्रॉपर एंडिंग तो नहीं देखने के लिए मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया इसकी एक ओपन एंडिंग है, तो वो ओपन एंडिंग कितनी ओपन एंडिंग रहने वाली है वो आपके ऊपर डिसाइड रहने वाली है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस मूवी को चेकआउट करने की सोच रहे हो, तो आप सिर्फ इसे वन टाइम वॉच कर सकते हो, बाकी इससे कोई ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत लगाना। हाई एक्सपेक्टेशन ऐसे कि इसके अंदर ना तो आपको हॉरर एलिमेंट कोई ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा, इसकी मिस्ट्री थोड़ी बहुत काम कर जाएगी, बाकी इसका साइफाई थ्रिलर जो है वो ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। और मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड नहीं है, बस अगर आप जो है ड्रामा लवर हो और आपको थोड़ी बहुत मिस्ट्री पसंद है, तो आप इसे एक बार को मौका दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको पसंद में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल करना, बाकी ऑल पर भी क्लिक लेना, ताकि बाबू सोना जागरूक होने के मैसेज पहले तुम्हारे भाई की नोटिफिकेशन आ जाए। बाय कर दे वीडियो को, एंड आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।